प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे हम डिनर के रूटीन से। सबसे पहले एप्रन पहनेंगे। मैंने ना किसी का कमेंट पढ़ा कि ये एप्रन आपने कहाँ से लिया, इसका लिंक मेरे अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट पे है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है एंड इसको बोलते हैं जापानीज एप्रन। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं एंड ऐसे लगता है कि आपने ड्रेस पहनी है। सो या इसको पहन लेते हैं एंड कुकिंग मोड में आ जाते हैं। आज बहुत 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 लंबे समय के बाद, 5-6 महीने के बाद, मे बी मोर देन दैट, मे बी 1 साल के बाद, ओके आई थिंक 1 ईयर के बाद हम बनाने वाले हैं हाका नूडल्स एंड मंचूरियन। सो मैं आपको रेसिपी नहीं मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे किसी व्लॉग में मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अगर मुझसे होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ, पर अगर मुझसे नहीं होगा तो आप हाका चाइनीज करके सिमोर सर्च कर लें एंड मेरे कुकिंग चैनल पर नूडल्स एंड मंचूरियन दोनों की रेसिपी है। सो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है एंड नूडल्स के लिए मैं चिंग ब्रांड के नूडल्स यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे हैं। एंड जब तक वो नूडल बॉयल हो रहे हैं, किचन को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लटर है। सो गाइस, आज की वीडियो को हम लोग बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा सूदिंग ASMR कुकिंग का। आई होप आप इन्जॉय करेंगे। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, आज हम सूदिंग कुकिंग करते हैं।
एक्चुअली मंचूरियन एंड नूडल्स मुझे कल बनाने थे, पर हस्बैंड को कहीं पे जाना पड़ा एंड फिर मुझे लगा कि हिम्मत एंड मैं डिनर के लिए नूडल्स ही खा लेते हैं, मंचूरियन कल बना लेंगे ताकि मेरा काम भी अद्धा अद्धा हो जाएगा एंड एक डिश बन जाएगी। सो अब मुझे सिर्फ मंचूरियन बनाना पड़ रहा है एंड ये मंचूरियन की रेसिपी स्मॉल कैन कुक पे है, सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाने वाली हूँ मैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लग रहा है कि एक साल बाद हम मंचूरियन बनाने वाले हैं, एक भी नहीं एक से ज़्यादा हो गया होगा, मतलब 16-17 मंथ्स के बाद। पर ये है कि हमें बाहर के मंचूरियन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं वो कि ग्लू सा डाल देते हैं उसमें, वह चिपक जाता है, बहुत अग्ली हो जाता था। सो हमारा घर का मंचूरियन ही सबसे बेस्ट है। खूबसूरत दोस्तों, मैं चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बातचीत करूँ एंड कुकिंग की वीडियो बनेगी, बट हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। सो समय आ गया है मेरा खाने का, बहुत एक्साइटेड हूँ। सो हस्बैंड ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मंचूरियन बहुत बढ़िया बनाया है एंड अगर आप भी ऐसा मंचूरियन बनाना चाहते हैं बहुत बढ़िया, इसकी रेसिपी स्मॉल कैन कुक पे है। सो गुड एंड गार्लिकी, इसमें खूब सारा गार्लिक का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस बना हुआ है। सो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने, जैसे हम आज स्ट्रीट फूड खाते थे ना रेडियो पे। गाइस जब मैं छोटी थी ना बहुत ज़्यादा हम स्ट्रीट फूड नहीं खाते थे, गोलगप्पे ये मैंने मेरे हस्बैंड के साथ खाना शुरू किया, उससे पहले मैंने मुझे नहीं लगता कभी भी सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे खाए होंगे। यस कुछ रेड़ियाँ जो ही हमारे स्कूल के बाहर लगती थी जब स्कूल फिनिश होता था, जैसे छोले भटूरे एंड चाट जिसमें रोंगी होती थी इमली वाली चटनी के साथ एंड शकरकंदी ऐसी चीज़ें। एंड फिर जब हम मुझे लग रहा कि 8th and 9th grade में आए, अब ये चाइनीज़ इंडो चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। वैसे हमारे टाइम में इतने ज़्यादा स्ट्रीट फूड नहीं थे ऑप्शन, राइट? बताना अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो मैंने नूडल्स खाए
मुझे लगा मैं 8th में होंगी या 9th में, और मैं नूडल्स की इतनी बड़ी फ़ैन बन गई ना. सो जब भी मेरे पास कैसे भी पैसे आते थे ना, सो मेजॉरिटी ऑफ पैसे मैं मेरी मम को दे देती थी, एंड नूडल्स 10 रुपये के आते थे. एंड मैं मम्मी को कहती थी सर 10 रुपये मुझे दे दो एंड नूडल्स ला दो, मुझे प्लीज़ नूडल्स ला दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी एंड बाहर जाके खुद से नहीं खरीदूंगी. सो मम्मी को मिनता कर करके भेजती थी मैं. और जो नूडल्स की रेडी थी वो मेरे घर से मुश्किल से 20 कदम दूर होगी, सिर्फ इतनी दूर होगी, एंड मैं वहाँ पर भी नहीं जाती थी. सो यस, मम्मी लेके आती थी, मैं इतना खुश होकर खाती थी एंड सोल फूड लगता था मुझे. अभी भी मुझे वैसा फ्लेवर आ रहा है. सो ये सारी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है. आप बताना कि आपको स्ट्रीट फूड कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एंड किसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, मुझे बताना. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी स्टोरी सुनना. एक रिमाइंडर देने के लिए आई हूँ. एक हमारी ज्वेलरी की वेबसाइट पे चल रहा है 35% ऑफ. दूसरी चीज़ है गिव अवे भी चल रहा है. मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, उसमें गिव अवे के रूल्स हैं. आपको उस वीडियो के नीचे कमेंट करना है एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है. गिव अवे का विनर हम 3rd January को अनाउंस करेंगे. ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, बहुत प्यारे ज्वेलरी के पीसेज जीतने के लिए 10 different pieces आप जीत सकते हैं. सो सारी ही डिटेल मेरी ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो में है, उसे मिस मत करना. आपको कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखें मेरे प्यारे दोस्तों. आई लव यू गाइस सो वेरी मच.